नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, तेजस्वी प्रकाश की फिल्म मन कस्तूरी रे अपने 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है और क्या दोस्तों ये फिल्म हिट हो चुकी है, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मन कस्तूरी के पास अब ज्यादा समय बचा नहीं है, ज्यादा शोज भी नहीं है। शुरू से इसको स्क्रीन बहुत कम मिले थे, 125 स्क्रीन पे ये फिल्म केवल महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा जिलों में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों, अब बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। अभी पिछले हफ्ते बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई है और अगले हफ्ते दृश्यम 2 जैसी फिल्म आ रही है। तो अब जो कस्तूरी रे है, मन कस्तूरी रे, इसका कोई ज्यादा शोज बचेंगे नहीं। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप ये मान लीजिए कि थर्सडे तक फिल्म के पांच कुछ शोज रहने वाले हैं कुछ शहरों में। बाकी कई जगह से फिल्म के शोज कैंसिल हो चुके हैं, अब लगभग कई जगह से ये फिल्म उतर चुकी है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के कुछ शहरों में जरूर ये फिल्म अभी चल रही है और वहां से कम कलेक्शन आ रहे हैं। हालांकि कल फिल्म का कलेक्शन ठीक ठाक आया है, करीब 12 से 14 लाख रुपए के आसपास इस फिल्म का कलेक्शन कल आया है। और अब कलेक्शन के बारे में रिपोर्ट देना भी बड़े बड़े जो वेबसाइट है उन्होंने बंद कर दिया है। वैसे भी इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में ये जो बड़ी वेबसाइट है वो जानकारी शुरू से ही नहीं दे रही थी, बहुत कम जानकारी अब मिल रही थी। तो जहां से भी ये जानकारी इकट्ठा हो पाई है वहां से मैंने आपको ये जानकारियां लगातार तेजस्वी के फैंस के लिए उपलब्ध कराई है। तो कई वेबसाइट्स पे मैंने आपको, जिसे कल भी बताया था कि करीब 1,67,00,000 के आसपास इसका शुरुआती 6 दिनों का कलेक्शन बताया गया, उसके बाद में कलेक्शन बताना उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन कई जगह तलाश करने के बाद में कुछ कलेक्शन के बारे में जो आंकड़े अभी तक सामने आए उसके अनुसार मन कस्तूरी रे का 10 दिनों का कलेक्शन करीब 2,90,00,000 रुपए के आसपास, 2,92,00,000 रुपए के आसपास, 90 से 95 लाख, 2,90,00,000 से 2,95,00,000 के बिटवीन कहीं पर हुआ है। तो दोस्तों, आज भी ये फिल्म करीब 3-4 लाख रुपए का कलेक्शन कर सकती है, तो करीब 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन ये कर लेगी आज, डेफिनेटली आज या ज्यादा ज्यादा आप कल मान लीजिए कि कल तक ये फिल्म अपना बजट कवर कर लेगी। तो बजट कवर करने का मतलब इस फिल्म को हिट का दर्जा ऑलरेडी मिल चुका है, ये फिल्म हिट हो चुकी है। अब बाकी बचे हुए 2 दिनों तक, 2 या 3 दिनों तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा थर्सडे तक ये फिल्म चल सकती है थिएटर्स में, उसके बाद में ये फिल्म चलेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से 3,10,00,000, 3,15,00,000 तक मैक्सिमम इसका कलेक्शन जाएगा और फिल्म को हिट का दर्जा हासिल हो जाएगा। और दोस्तों, वैसे भी एक ऐसी फिल्म जिसका बजट मात्र 3 करोड़ रुपए है, जिसमें कोई बड़ी स्टारकास्ट नहीं है और जो केवल महाराष्ट्र में रिलीज की गई है, उस फिल्म ने अगर इतना भी कलेक्शन किया तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी मेरे हिसाब से। और तेजस्वी प्रकाश के जो फैंस है उनके लिए एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है कि ये फिल्म लगभग अपने बजट को कवर करके बजट से ज्यादा ही कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के इस फिल्म को आप हिट का दर्जा दे सकते हैं, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो चुकी है। और अगर इसी फिल्म को अगर डब करके, मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहूंगा, डब करके हिंदी में रिलीज कर दिया जाता तो दोस्तों इसका कलेक्शन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजीली होता है, डेफिनेटली होता है, इसमें मुझे कोई शक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन खैर, जो भी हो, तेजस्वी प्रकाश की शुरुआत अच्छी रही है और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में उनको काफी अच्छी फिल्में मिलेगी और भी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में उनको मिलेगी और भी अपना करियर आगे बढ़ा पाएगी और काफी अच्छी प्रोग्रेस भी जीवन में करे, मेरी यही शुभकामनाएं उनके साथ है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।